हाय गाइस, तो हम जो ट्रेड फेयर से ये कढ़ाई लेके आए थे, आज हम इसमें खाना बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कुछ मिष्ठान से हो जाए। कुछ मीठा बनाएंगे, यानी कि हलवा बनाएंगे। इसमें हलवा यूँ तो सूजी का भी बनता है, आलू का भी बनता है, गाजर का भी बनता है, बहुत चीज़ों का बनता है, लेकिन हमारे घर में सबसे ज़्यादा हलवा आटे का पसंद किया जाता है। तो हम बनाएंगे आज आटे का हलवा। इस नई कढ़ाई की शुरुआत आटे के हलवे के साथ। तो गाइस, ये हमने 1 1/2 स्पून लिया है इसमें आटा, और इसमें हम डालेंगे देसी देसी घी। अच्छे से डालेंगे एक और 2 स्पून करके डाला। अब हम इसको भूनेंगे। जितना घी ज्यादा अच्छा डलेगा उतना ही ज्यादा हलवा बनेगा। अच्छा, हम इसको भूनते रहेंगे। ये और डालेंगे अभी इसे। और हम आटे को अच्छे तरीके से भून लें। ये देखिए, हमारा आटा पूरी तरीके से भून गया है, डार्क ब्राउन हो गया है। अगर हम इसको कम भूनेंगे तो ये कच्चा सफेद सफेद सा कच्चा कटहल का बड़ा गंदा लगता है देखने में, खाने में भी टेस्ट नहीं आता। ये डार्क ब्राउन भून गया है हमारा हलवा। इसी स्टेज पर ला करके हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर मैंने इसमें 2 चम्मच की कटी हुई है, लेकिन मैं कम ही डालूंगी क्योंकि ज्यादा मीठा सेहत के लिए हानिकारक है। देखिए, शुगर मैंने डाल दी है। इसमें वाटर ऐड करूंगी। ये देखिए, वाटर ऐड कर दिया मैंने इसमें आइडिया से। ये मैं लगातार चलाती रहूंगी, अदरवाइज इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी, गांठ पड़ जाएंगी, फिर तो टेस्ट नहीं आएगा, उसमें कच्चा कच्चा सा आ जाएगा। इसको लगातार चलाते रहना है हमें, जबकि ये तब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। देखिए, मैं चलाती रहूंगी। लगभग हलवा हमारा तैयार है। देखिए, चलाते चलाते पानी ऑब्जर्व कर लिया, इसमें घी ऑब्जर्व कर लिया, ये कढ़ाई छोड़ने लगा, यानी कि हमारा हलवा तैयार हो गया है। ये देखिए, पूरी तरीके चारों तरफ से हमारी कढ़ाई छोड़ रहा है। हलवा हमारा तैयार है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करके सर्व करेंगे। ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे अभी मैं, किशमिश, काजू, बादाम, आप लोग जो भी और डालना चाहें डाल सकते हैं, खरबूजे की मीन। ये हमारा हलवा तैयार है। ये देखिए, हमारा हलवा रेडी है एकदम खाने के लिए। आप ही बनाएं आटे का हलवा। किस किस को अच्छा लगता है कमेंट्स करके हमें बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।